सो भाई आज की गाड़ी हमारे पास UP27 स्कॉर्पियो आज हमारे पास आई हुई है और कार्लेबाज हाउस के अंदर आज मिलेगी भाई आपको स्कॉर्पियो, जिसका बहुत रेयर काम करता हूं मैं और सिर्फ रेफरेंस की गाड़ियां होती हैं, क्योंकि भाई मुझे इतने सारे भाई आ जाते हैं इकट्ठे होके थार और स्कॉर्पियो लेके, तो थोड़ा सा डर सा लगना चालू हो जाता है। बट स्टिल कोई बात नहीं, गाड़ी का काम हम रेगुलर करेंगे। रेगुलर अभी आपको स्कॉर्पियो भी मैं बड़ी जल्दी आपको सामान लेकर आऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। सो आज हमारे पास आई हुई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर पूरी गाड़ी की जो है हमने ड्राई क्लीन कराई है। ड्राई क्लीन के लिए प्रॉपर पूरे दरवाजे जो है ये गंदे थे और पूरे नीट एंड क्लीन हो गए। इसकी फ्लोरिंग जो है प्रॉपर पूरी साफ करवा दी। पूरी गाड़ी अंदर से लेकर ऊपर तक, साइड से दाएं बाएं, पूरी गाड़ी जो है भाई एकदम सेट हो गई है ये। और सीट्स अगर आप देखेंगे तो सीट्स इस गाड़ी में है नहीं, क्योंकि सीट्स के लिए कस्टमाइज गाड़ी हमारे पास आई है करने के लिए। सेयरिंग नहीं है, क्योंकि सेयरिंग के ऊपर भी कस्टमाइज पूरा काम होगा, लेदराइट का पूरा काम होना है इसके अंदर। जो मैट्स हैं वो भी 100% आपको 80 क्वालिटी में मिलेंगे। सो पूरी गाड़ी का काम जो होगा यहाँ पर, पूरी गाड़ी खुली हुई है ये। और सेम कार्लेबाज का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर पूरा शेड है, शेड के नीचे गाड़ी खड़ी होती है। रोड साइड पर भाई कोई काम नहीं होता, रोड साइड पर सिर्फ अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं हम। यहाँ पर जो है प्रॉपर पूरा स्लॉट है मेरे पास, जगह है, शेड के नीचे गाड़ी खड़ी होती है। बाहर जैसे धूप नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश के अंदर आपकी गाड़ी होती तो काम भी नहीं हो सकता था और पूरी गाड़ी जो है भाई वो गंदी हो जाती है। सो इस तरीके से हमारे पास ये गाड़ी खड़ी हुई है, जिसको आज हम पूरा इंटीरियर लग्जरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और गाड़ी आई हुई है, जिसका पूरा डैशबोर्ड पूरा खुला हुआ है, पूरी गाड़ी के डोर्स खुले हुए हैं, सारे पैनल इसके हमने खोल दिए भाई। पूरी की पूरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये डैशबोर्ड पूरा निकाल दिया। इसकी भी कुछ लग्जरी मॉडिफिकेशंस के काम है और इसको भी बहुत जल्दी आपको मैं रेडी करके दिखाऊंगा मैं किस तरीके से गाड़ी आई थी, कैसे ये प्रॉपर पूरी रेडी होकर जा रही है। बने रहना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। पूरी गाड़ी का काम रेडी हो जाएगा, देन आपसे दोबारा मिलता हूँ सेम स्कॉर्पियो के साथ, पूरी लग्जरी इंटीरियर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, थैंक यू। तो फाइनली आज की जो गाड़ी थी हमारी वो स्कॉर्पियो का, हमारे पास जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, जिस तरीके से इस गाड़ी का इंटीरियर था भाई प्रॉपर पूरी गाड़ी वो चेंज हो गई है। और जो इंटीरियर हमने इसका रेडी किया, उसमें हमने जो फ्रंट की सीट्स है महाराजा सीट्स करी, नीचे अंदर सीट्स में बैडिंग करी, नीचे के मैट्स डाले और पूरी गाड़ी जो है इंटीरियर से प्रॉपर पूरी रेडी हो गई। जो मेन मेरे पास गाड़ी आई थी वो सिर्फ इंटीरियर के लिए आई थी, तो सिर्फ इंटीरियर के ऊपर बात करेंगे आज और आपको दिखा दूँ किस तरीके से गाड़ी हमारे पास आई थी, वो कैसे हमने इसको प्रॉपर पूरा रेडी कर दिया। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोर ट्रिम्स जो है इसकी भाई वो ब्लू कलर की हैं। ब्लू कलर के साथ जो मैच कर रहा था वो आइस ग्रे का मैचिंग थी। और गाड़ी के अंदर तो ये वाले जो फैब्रिक है ये कंपनी फिटेड आता है ब्लू कलर का, ब्लू के साथ आइस ग्रे का कॉम्बिनेशन। सो उसी तरीके से मैं सिर्फ सीट्स के ऊपर आ जाता हूँ डायरेक्टली, आइस ग्रे के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन, जो कि दरवाजे के साथ प्रॉपर पूरा मैच हो रहा है, स्टेयरिंग के साथ प्रॉपर पूरा मैच हो रहा है। डोर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे और सीट्स का जो पैटर्न देखेंगे भाई वो बिल्कुल 00 प्रॉपर पूरा मैच करता है। 19-20 का नए पुराने का थोड़ा सा फर्क होता है, प्लास्टिक का फर्क होता है, सो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर 19-20 होगा। अदरवाइज जो डोर के पैनल है वो प्रॉपर एकदम ब्लू सीट के हिसाब से हैं। स्टार्ट करता हूं मैं स्टीयरिंग के काम से। स्टीयरिंग के ऊपर जो हमने लेदर ऐप किया वो ड्राई लेदर हमने इस गाड़ी के ऊपर यूज करा, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर का थ्रेड हमने इसको स्टिच किया हुआ है। और जो इसकी डुअल टोन की फिनिश है वो भी भाई बहुत सुपर क्लास है और इस पर हमने डिजाइनर स्टीयरिंग प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। नॉर्मल जो स्टीयरिंग था उसको हटा के इस पर लेदराइट हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके आर्मरेस्ट है, उसको भी प्रॉपर पूरा जिपर करके प्रॉपर पूरा हमने पूरा बना दिया। सीट्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने शोल्डर इसके ऐड करे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थाई सपोर्ट हमने इसके ऊपर ऐड किया है। थाइट सपोर्ट का जो बैटन है यहाँ पर प्रॉपर पूरी पैडिंग की जाती है, पैडिंग के बाद प्रॉपर इसको पूरा बनाया जाता है, पूरा फर्मा सीट कवर्स का पूरा नया बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने सॉफ्ट कुशन करी, यहाँ पर थाई पैडिंग हमने यूज़ करी। कुछ गाड़ी जो है सीट कवर जो बनते हैं जैसे महाराजा सीट्स बनती है, तो इसके अंदर साइड की पैडिंग और जो फॉर्म है वो पूरी प्रॉपर पूरी बनानी पड़ती है। डिजाइनिंग सीट कवर्स की बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कुशन में सॉफ्ट पैडिंग हमने की हुई है, यहाँ पर भी जो है पूरा ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज किया। सीट कवर्स की जो पैडिंग है भाई वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई गई, सीट्स के जो पैटर्न है प्रॉपर पूरा 00 करके बनाया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैक की सीट्स के अंदर भी यहाँ पर जो है ये पैडिंग एक्स्ट्रा की हुई है और जो थाई सपोर्ट है इसके अंदर भी थोड़े बहुत हमने ऐड किए हुए। यहाँ पर हाथ रखने का जो पैटर्न है भाई आर्मरेस्ट बिल्कुल सीधा सीधा बना दिया इसको।
हेडरेस्ट प्रॉपर पूरा बना दिया है। यहाँ पर सीट्स की जो पैटिंग है, जो सीट्स का डिजाइनिंग है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल एकदम 00 करके बनाया है इसको। कहीं पे भी पूरी गाड़ी में आपको कहीं स्वेटिंग का इश्यू इसमें नहीं आने वाला है। जो सीट कवर के अंदर हमने फैब्रिक यूज किया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से यूज किया, ड्राई लेदर हमने फैब्रिक इस पे यूज करा। कहीं पे भी आपको सीट कवर से मेरे रिंकल नहीं नजर आएगा, रिंकल फ्री हमारे सीट कवर्स होते हैं। आगे से लेकर पीछे तक प्रॉपर पूरा गाड़ी के हिसाब से इसको बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओहो भाई, तो बहुत शानदार बताओ, ये अपने आप ही हेडरेस इसके यूज हो रहे हैं। यही हमारी एलेक्सा ब्रीजा होती तो हिलते भी नहीं है। सो पूरी गाड़ी का काम एकदम परफेक्ट तरीके से किया गया, हेडरेस की फिटिंग, पूरे सीट्स की फिटिंग, जो थाई सपोर्ट जो बनाए, जो यहाँ पर शोल्डर सपोर्ट इसके बनाए, वो भी बिल्कुल 00। बात करेंगे इसकी मैटिंग की, मैटिंग जो हमने इसके अंदर यूज़ करी वो 90 फ्लोर मैट हमने इसके ऊपर यूज़ करे, जिसको यहाँ पर हनीकॉम यूज़ करा। हनीकॉम के बाद हमने प्रॉपर पूरा फ्लोर के हिसाब से प्रॉपर इसको बनाया। भाई अगर इसको नंगे पैर भी कोई चलाना चाहे, अंदर बैठ के घूमना चाहे, तो बिल्कुल आप घूम सकता है वो। यहाँ पर हनीकॉम की फिटिंग बिल्कुल 00 गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर, ये प्रॉपर पूरे मैट बनते हैं ये। बात करेंगे आगे के मैट्स की, सो आगे के मैट्स के अंदर भी वही सेम चीज़, साइड का पैटर्न हमने अंदर कर दिया। जो नीचे के जो मैट्स हैं वो बिल्कुल 00 परफेक्ट तरीके से बिल्कुल फिटिंग हो गए इसके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड के पैटर्न है बिल्कुल 00 उसको बनाया गया। यहाँ की जो फिटिंग है बिल्कुल एकदम सीट कवर के फ्लोर के हिसाब से पूरा, भाई अगर देखो तो पूरा अंदर तक ही गया हुआ मैट। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश बिल्कुल सुपर क्लास, एकदम बेस्ट तरीके से की गई। और गाड़ी जो हमारे पास आई वो सेम कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस पर दिल्ली करमपुरा का है, UP 27 से हमारे पास यहाँ गाड़ी आई हुई है। और गाड़ी जो है मेरे पास सेम स्कॉर्पियो कार्लेबास की, मैं बैजिंग इसके ऊपर लगी है, मेरे रेफरेंस ही गाड़ी है। और सीट कवर और मैट से प्रॉपर इसमें काम कर रहे थे, वो इस हिसाब से प्रॉपर हमने कर दिया। गाड़ी जो हमारे पास खड़ी होती है वो शेड के नीचे प्रॉपर पूरी खड़ी होती, कहीं धूल मिट्टी वाले कोई सिस्टम नहीं होता हमारे पास यहाँ पर। और जिस तरीके से ब्रांड न्यू गाड़ी आती है उसी तरीके से प्रॉपर जाती है। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे 9811632352, 9906323522। तो एक छोटा सा मैं कस्टमर से एक रिव्यू भी लेना चाहता हूँ कि किस तरीके से सोच के आए थे, कैसे पूरी गाड़ी की हमारी सीट बनी। तो मैंने एक बार छोटे से ब्रेक के बाद कस्टमर से एक बार डायरेक्ट बात करती है। तो फाइनली थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत, आप गाड़ी लेकर आए हमारे पास स्कॉर्पियो अपनी। और आपका नाम जान सकता हूँ मुजम्मिल, और कौन सी जगह से आए हैं हम? आए लखनऊ। लखनऊ से बताओ भैया हमारे पास आए गाड़ी लेके अपनी, मेरा रेफरेंस भी था, जिनके रेफरेंस भैया आए उनकी गाड़ी में, बहुत सारे अपनी गाड़ी में पहले भी काम किए हुए हैं। तो भैया जिस हिसाब से आप गाड़ी छोड़ के गए थे और गाड़ी के हिसाब से जो काम अंदर हुआ वो सेटिस्फैक्ट्री वाला हुआ अभी तक दिख रहा है? और सबसे बढ़िया बात, गाड़ी में अपना कोई भी आप पर्सनल बिलोंगिंग और तक फोन ले जाता है, पर्स ले जाता है, सब कुछ सेफ है, गाड़ी आपकी सेफ है, धूल मिट्टी से सेफ है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी गाड़ी लेकर आनी है हमारे पास। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू।